हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस नए वीडियो दोस्तों बात करेंगे दोस्तों पोको मोबाइल सेटिंग के बारे में। और दोस्तों आज के इस नए वीडियो दोस्तों हम बात करें दोस्तों पोको वाले मोबाइल में दोस्तों हम ऐप लॉक को कैसे स्टार्ट करेंगे और ऐप लॉक सेटिंग को कैसे यूज़ करेंगे। दोस्तों ऐप लॉक को स्टार्ट करने के लिए, ऐप लॉक की सेटिंग को यूज़ करने के लिए पोको वाले मोबाइल में आप सबको क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो आपके पास भी पोको मोबाइल है दोस्तों, पोको वाले मोबाइल में आप डायरेक्ट क्या है फ़ोन की सेटिंग पर क्लिक कर दो और यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो दोस्तों आपको पोको के मोबाइल में एक ऑप्शन आता है यहाँ पर आपको दोस्तों ऐप सेटिंग का। आपको ऐप सेटिंग पे क्लिक कर देना। ऐप सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है ऐप लॉक का। ऐप लॉक पे क्लिक करना, टर्न ऑन पे क्लिक कर देना और दोस्तों यहाँ पर आके अपने फ़ोन में ऐप लॉक को स्टार्ट कर सकते हो, ऐप लॉक को ऑन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड पर चल के ऐप लॉक का पासवर्ड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना, जो भी पासवर्ड आप यूज़ करना चाहते हो यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो। दोस्तों यहाँ पर मैं ऐप लॉक के लिए यहाँ पर मैं पिन पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ और दोस्तों यहाँ पर जो मेरा पिन पासवर्ड है वो है 1 2 3 6। ठीक है दोस्तों, जो भी पिन पासवर्ड यूज़ करो प्लीज़ याद रखना, भूलना मत। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं है पिन को चेक करने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करना, दोबारा से अपने पासवर्ड एंटर करना, सेम पासवर्ड दोस्तों यहाँ पर आपको दोबारा से एंटर करना अपने फ़ोन में और यहाँ पर आपको दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। दोस्तों आपके फ़ोन में ऐप लॉक स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे नोट नाउ पे क्लिक करोगे या फिर आप दोस्तों आपके पास है शाओमी अकाउंट, आपका एम आई अकाउंट दोस्तों अगर आपके फ़ोन में है तो आप इसको ऐड कर लोगे। दोस्तों आप देख सकते हो आपका अकाउंट ही एक लास्ट ऑप्शन है जिससे आप अपने ऐप लॉक को रिस्टोर कर सकते हो, अपने ऐप लॉक सेटिंग को आप अनलॉक कर सकते हो अपने अकाउंट से। वरना दोस्तों अगर आप इसका पासवर्ड भूल गए तो आपको अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा, मतलब आपको इरेज और डाटा करना पड़ेगा। तो दोस्तों पासवर्ड कोई भूलना मत, वरना अपना अकाउंट ऐड कर लेना अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो बार बार। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको यूज़ ऐप लॉक पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो आपके फ़ोन में यहाँ पे कुछ है पहले से लॉक दिखाता है यहाँ पे और आप जो भी लॉक करना चाहते हो आप उसको यहाँ पे राइट क्लिक करके लॉक कर लो। एग्जांपल दोस्तों अपने फ़ोन में म्यूज़िक ऐप को, अपने जीमेल ऐप को लॉक करना चाहते हो यहाँ पे लॉक कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने फ़ोन में फ़ोन ऐप को और यहाँ पे फाइल ऐप को लॉक करते हो, मैप ऐप को लॉक कर देते हैं, शेयरमी ऐप को, फोटोज ऐप को अपने फ़ोन में लॉक कर देते हैं। दोस्तों लॉक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं अगर कैलकुलेटर पर क्लिक करता हूँ ये भी लॉक हो जाएगा। दोस्तों अगर अपने फ़ोन में कैलकुलेटर ओपन करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये लॉक्ड है। कैलकुलेटर को अनलॉक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे 1 2 3 और 6 को एंटर करना पड़ेगा और मेरे फ़ोन में कैलकुलेटर ऐप अनलॉक हो जाता है और इसलिए अब मैं अपने फ़ोन में इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर गैलरी ऐप ये भी लॉक्ड है, पासवर्ड को एंटर करेंगे 1 2 3 6 गैलरी ऐप अनलॉक और यूज़ कर सकते हैं गैलरी ऐप। यूट्यूब पे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर तो यूट्यूब ऐप भी लॉक है, पासवर्ड एंटर करो, यूट्यूब ऐप को अनलॉक करके यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इस तरह से ऐप लॉक को स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें।